अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं इस वक्त घड़ी में, और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और पापा का इंतज़ार करें, पापा आ जाए इंशाल्लाह। पापा छोड़ने वाले हैं हम लोगों को गाड़ी में घर पे। तो हम लोग मोहल्ले में खड़े हैं, कोई भी नहीं है, सन्नाटा है दूर दूर तक। बहरहाल हम जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है घर, और हस्बैंड जी को पता नहीं है कि हम लोग घर आ रहे हैं। उनको यही पता है कि हम संडे को घर आएंगे। चले, आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग 7 बजे से, देखो शाम तक क्या होता है और किस तरह की रूटीन रहती है। बने रहे हमारे साथ। बाय बाय। ये जो ऊपर जो बन रहा है पुल जो बन रहा है, अच्छा सही। तो ये तो उसे जोड़ेंगे पापा, वो जो लियारी से रोड जुड़ रहा है उसे जोड़ेंगे ना, तभी सीधा जाएगा यहाँ। शमशाद अली कर रहे हैं नाश्ता घर आने के बाद। शमशाद, क्योंकि शमशाद को हो रहा है बुखार, है ना, इतना तंग करने के बाद बुखार हो रहा है। नौटंगी, चलो नाश्ता करो फिर दवाई खिलाऊं। हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे, सुबह 8:30 बजे तक ही पहुंच गए थे, और आके हम दोबारा सो गए थे। अभी हो रहा है चाय नाश्ता। नाश्ते में माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अल्लाह पाक की काफ़ी सारी नेमतें हैं। और हस्बैंड जी, आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? आपको तो पता ही नहीं था कि हम आ रहे हैं। सुबह सुबह तो परी आ गई मेरे पास। छोटी परी। क्या बात है, क्या बात है भाई। चले भाई, हाँ, और ये उबलता हुआ लावा, ये सुबह से बीमार है ये, जब इतनी मस्तियाँ करता है ना तब बीमार पड़ता है, जब मस्तियाँ है तब बीमार पड़ता है। चलो भाई, हम लोग करते हैं चाय नाश्ते को इंजॉय, और इसके बाद देखें क्या एक्टिविटी होती है, वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे, है ना भाई? आप कुछ कहोगे? कह दो पापड़ बहुत अच्छे। हाँ जी, आंटी के पापड़ है। सुबह सुबह 7 बजे हम लोग पापड़ लेने के लिए गए थे, और कॉपी कर रहे हैं। हाँ सही। चलो भाई, हम लोग चाय इंजॉय करते हैं, आप लोग करें वीडियो को इंजॉय। ये देखें भाई, कितने खूबसूरत लग रहे हैं बादल। ये एक ही बादल का जमघट्टा बना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी लाइटिंग हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोशन हुआ है। देखो नॉर्मली, चलो छत पे चल के देखते हैं इसको। ये देखो किस कदर हसीन लग रहे हैं ये बादल। पहले आप लोग इस बच्ची की शक्ल देख सकते हैं, ये बच्ची गुम हो गई है कहीं पर। मैं घर में ही हूँ। जो उसके पेरेंट्स है वो आके इसको ले जा सकते हैं, हम जो तक तो संभाल के रखेंगे, क्या ख्याल है, है ना? और ये लड़की बना दी है पकौड़े से, ना हल्दी डाली है ना मिर्ची डाली है, बस इसने प्याज काट के बेसन डाल दिया है। डाल रही हो? कब? रेडियो में देखा था कि ना वो कहते हैं कि पाव वीडियो में देखते हैं कि कैसे पकौड़े बनाए, तो बोलते हैं बेसन ले, प्याज गोले और तल दे। मैंने भी ऐसे ही करने का सोचा, प्याज ली, बेसन बता लिया, नहीं अभी तला नहीं है, अभी मसाले बाकी हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर जाहिर सी बात है ये वेस्ट हो जाएगा जब तक इसमें मसाले नहीं जाएंगे। चलिए मसाले डालते हैं। एक पीस और है। सबर सबर सबर। हाँ 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 जी। बेसन गोदा तल दे। हाँ, उसे बिना छिलके की प्याज साबुत रखी, डिबोई और तल दी। ओए होए, ऐसा है। हाँ, सफाई हो गई है घर की आने के बाद। एक पांडा सोप वहाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा। बहरहाल क्या क्या डाला इसमें भी आपने? डालूंगी, चलो मुझे पता नहीं डलता क्या है, बस आप बता दीजिए। सबसे पहले तो हल्दी जाती है बेसन में। एक मिनट, इंग्रेडिएंट्स सारे हमने डाल दिए हैं। हमने थोड़ा गर्म मसाला डाला, थोड़ा जीना मोटा डाला, थोड़ी थोड़ी काली मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, अजवाइन डाला है, और खाने का सोडा और नमक डाला है। बड़ा इसकी मिक्सिंग कर देगी। मिक्सिंग के बाद मिलते हैं। मिक्सिंग के बाद नहीं मिलते। अच्छा, इसकी शक्ल एक बार फिर से गौर से देख लें आप लोग। ये बच्ची गुम हो गई है, जिनकी भी वो हमारे से आके ले जाएं, हम पता जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्या ख्याल है, है ना? तो ये जो जिस भी बच्ची है, वैसे काम की होगी, मैंने काम हम सब सिखा दिया इसको। आप आगे ले जा सकते हैं इस बच्ची को। ये मांगने गई थी तो फिर सारे पापड़ उठा के लाए। सही है ना, ये दिख रही है बच्ची। सही है। अच्छा, ये वही वाले पापड़ हैं जो हमने सुबह बाय किए थे, जो आपको दिखाए थे वीडियो में, ठीक है, और काफी ज्यादा क्वांटिटी में थे, तो अभी हम इसको तलने लगे हैं। अब तो हम दोपहर में तले थे, तो देखिए, लेकिन अभी हम दोबारा डाल दिए हैं, अब इसे हिला
बस ये स्पीकर से चालू हो गया है। चलो भैया भाग जाओ, बंद हो जाएगा। और दूध जल्दी लेके आना, बना ले जल्दी। बस देखो कोल्ड कॉफी का भी भूत चढ़ा। हाँ, और यहाँ बन रही है कॉफी, बस थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी बस। अब दूध भी लाओ। ऐसे कैसे बनाते हैं दूध डालते हैं पहले? हाँ, इसमें दूध जाएगा। ले दूध लेके। क्या गया दूध? बस अभी से बैठ करूँ। अब ऐसे ही होती है पकड़ो खास से। अब 10 घंटे बाद मिलते हैं क्योंकि देर लगती है इसमें, काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें हमने सही कॉफ़ी जो है वो यूज़ किया। करो 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 मेहनत करो। ठीक है फिर, अब मेहनत करने के बाद मिलते हैं। अब ये दूसरा बंदा शुरू हो गया इसको बीटने के लिए, क्योंकि बहुत देर लगती है भाई इसमें। और मैं लचा रही है, नहीं तो एक बार बैठ कर खाना नहीं। ये बच्ची घूम हो गई। बच्ची गुम हो गई, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा ये बच्ची किसकी है। अल्लाह पाक आपकी बच्ची को एक दिन सबका वक्त आएगा। है ना, नहीं तरह छोटे छोटे पकौड़े बन रहे हैं। बहुत जुस्तजू के बाद ये हमारे से है, हमारा काम नहीं किया है भाई। लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया था, मैं बना के दिखाऊं। क्योंकि करीबन हमें 15 मिनट हो गए से बीट करते हैं। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा दूध ज्यादा दल गया हो, इसी वजह से बीटना हो रही हो। और इसे कांटे और ग्लास में डाल के ही होता है, लेकिन डाल के नहीं होता। बहरहाल ये जो है कि हमारे साथ नहीं हुआ। यहाँ जो है पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, ये पकौड़े लोगों ने जला दिए जो कि आप लोग देख सकते हैं। चले भाई, अब दस्तरखान बिछाते फिर आपको दिखाते हैं। हमारी कॉफी बन चुकी है, कॉफी इसमें डाल दी है, बर्फ भी डाल दी है, दूध डाल। अब जो है हमें दूध ऐड कर दिया है इसके अंदर और अब इसे करेंगे बीट। बन गई हमारी कॉफ़ी। चलो मुझे दे दो और आप लोग, मैंने आप लोग होगा भाई कोल्ड कॉफ़ी रेडी। कुछ भी कह लो, बहरहाल टेस्टी बनी है ना। कोई जरूरत नहीं है, खुद ही पियो खुद ही पियो। ये है चिप्स, हम कर रहे हैं इसको एंजॉय।